वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या बीकॉम बीबीए सीएमए सीए सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में ऑडिटिंग से रिलेटेड पेपर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चंस और उसका आंसर्स आपका क्या किया है, अपलोड कर दिया है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा ऑडिटिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसमें क्या है आपका वीडियोस अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। और जो भी मैं आपका ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स का वीडियोस बना रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएगा। इसलिए क्या करेंगे, वीडियोस को क्या करेंगे, अच्छे ढंग से आप क्या करेंगे, देखेंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर कौन है आपका 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन क्लासेस ऑफ ईयर्स। मतलब आप ईयर्स कितने प्रकार का होता है इसके बारे में क्या करें, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आप दें, या इसको दूसरे आपका शब्द में बोल सकते हैं डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स। मतलब आपका ईयर्स अशुद्धियां कितने प्रकार का होता है इसके बारे में क्या करें, डिटेल्स आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है बीकॉम में या आपका पार्ट वन में ऑडिटिंग में ये क्वेश्चंस क्या होता है जनरली पूछा जाता है। तो आपका इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ईयर किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ ईयर्स कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल उठता है क्या कि आंसर कैसे लिखेंगे, आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है क्लासेस ऑफ ईयर्स तो थोड़ा सा पहले लिख देंगे मीनिंग ऑफ ईयर। क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ ईयर्स। ध्यान समझिएगा कि ईयर्स किसे कहते हैं। देखिए ईयर्स को समझने से पहले थोड़ा हम लोग जानेंगे ह्यूमन नेचर के बारे में, किसके बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ह्यूमन का जो नेचर होता है, मानव का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, गलती करना। अगर कोई आपका इंसान ये बोले कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं किया है, बिल्कुल ये मान के चलिए वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है गलती करना, जब वो कोई काम करता है तो उससे गलती होगा ही होगा, ऐसा आपका क्या है मानव का स्वभाव होता है, ना चाहते भी उससे गलती हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं कि आप चाय बनाते हैं, रोज आप चाय बनाते हैं, ठीक है। तो आप रोज चाय बना रहे, एक दिन ऐसा हुआ कि चाय तो आपने बनाया लेकिन उसमें आपने क्या किया, चीनी डालना क्या हो गया, भूल गया। रोज तो चाय बनाते थे, एक दिन ऐसा हुआ कि चीनी डालना क्या किया आपने, भूल गया चाय में, तो गलती हो गया कि नहीं हो गया, बात समझे। या मान लेते हैं कि आप सब्जी बना रहे, समझाने के लिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सब्जी बना रहे उसमें आपने क्या किया, नमक डालना भूल गया, नमक डाला तो दो दो बार डाल दिया, नमक डाला सब्जी में कितने बार डाल दिया, दो दो बार डाल दिया। तो इस तरह से गलती होता है, इंसान ना चाहते भी गलती करता है क्योंकि मानव का स्वभाव ही होता है गलती करना, ठीक है। तो देखिए आपका इंटेंशन नहीं है, आपका इंटेंशन नहीं है तो भी आपसे गलती हो जाए तो क्या कहलाएगा आपका, ईयर्स। क्या कहलाएगा, ईयर्स। लेकिन आप जानबूझ के गलती करते हैं, जैसे आपको वो सब्जी बनाना है तो जानबूझ के आपने क्या किया, 5 बार नमक डाल दिया, तो ये क्या है आपका, फ्रॉड। क्या है, फ्रॉड। या चाय बना रहे तो जानबूझ के आपने क्या किया, चीनी नहीं डाला, या क्या है, फ्रॉड। तो वैसा गलती जो आप जानते नहीं है और आपसे अनजाने में हो जाता है वो क्या कहलाता है, ईयर्स। क्या कहलाता है, ईयर्स। और वैसा गलती जो आप जानते गलती है तो भी करते हैं वो क्या कहलाएगा, फ्रॉड। क्या कहलाएगा, फ्रॉड। तो फ्रॉड नहीं करेंगे हम लोग, किसके बारे में पढ़ेंगे आज, ईयर्स के बारे में। तो देखिए मीनिंग ऑफ ईयर्स मैंने क्या लिखा है, छोटे शब्दों में समझाने का कोशिश किया, ध्यान से। बोलता है मिस्टेक्स कमिटेड इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर नोबली आर नोन एज ईयर्स। मतलब बोलता है कि मिस्टेक्स आर कमिटेड इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर रहे हैं उसमें अनजाने में क्या बोलता है, अनजाने में अगर आपसे किसी तरह का कोई मिस्टेक्स हो जाता है उसी मिस्टेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर्स। एक बार फिर से, आप बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर रहे हैं, जर्नल लेजर ट्राई बैलेंस फाइनल अकाउंट कैश बुक परचेज बुक ये सब आप तैयार कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, और आपका इंटेंशन गलती करना नहीं है लेकिन तो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में आपसे गलती हो जाता है तो क्या कहलाएगा आपका, ईयर्स। और जानबूझ के बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती करते हैं तो क्या कहलाएगा, फ्रॉड, धोखाधड़ी। तो धोखाधड़ी के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में पढ़ेंगे ईयर्स के बारे में, ठीक है। तो आप ईयर्स समझ गए वो किसे कहते हैं, वैसा आपका गलती जो आप चाहते नहीं है करना लेकिन तो भी आपसे हो जाता है वो
क्या कराएगा आपका इरर्स, एंड वैसा मिस्टेक्स जो आप चाहते नहीं है करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो भी आपसे हो जाता है वो क्या कहलाता है आपका इरर्स। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कितने तरह का गलती हो सकता है आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, जो अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है या जो क्लर्क मेंटेन कर रहा है, वो कितने प्रकार का गलती कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, एक चार्ट के द्वारा, प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको समझाने का कोशिश किया। देखिए बोलता क्या है, काइंड्स ऑफ इरर्स। ठीक है, इरर्स को सबसे पहले दो भागों में कैटेगराइज किया गया, क्या बोलता है, इरर ऑफ प्रिंसिपल और बोलता है क्लरिकल इरर्स। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्लरिकल इरर्स है इसमें कितना है आपका, ये सब है, इरर ऑफ ऑमिशन, इरर ऑफ कमीशन, फिर कौन है आपका कंपनसेटिंग इरर्स। ठीक है, और इरर ऑफ ऑमिशन में भी दो है, ध्यान से, कंप्लीट ऑमिशन और फिर क्या बोलता है पार्शियल ऑमिशन। और उसके बाद इरर ऑफ कमीशन में देखिए कितना है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है, इरर ऑफ रिकॉर्डिंग, इरर ऑफ कास्टिंग मतलब टोटलिंग, इरर ऑफ पोस्टिंग, इरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ आपका, उसके बाद क्या हुआ, इरर ऑफ कंपनसेटिंग हो गया। तो ये इतने प्रकार का क्या होता है आपका इरर्स हो सकता है, आपका मिस्टेक्स हो सकता है अकाउंटेंट के द्वारा, क्लर्क के द्वारा, उसका इंटेंशन होता नहीं है लेकिन ये सब गलती क्या करता है वो करता है। और आप भी जब क्लास 11 12 में होंगे या बीकॉम पार्ट 1 में होंगे तो आप लोग भी इस तरह का गलती करते होंगे। देखिए मैं भी क्या करूंगा, एक एक के बारे में क्या करूंगा, प्रैक्टिकली डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा, राइट। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, तीन ट्रांजेक्शन लिया है, ऐसा आपको जल्दी जल्दी सारी बातें समझ में आएगी। पहला बोलता क्या है, 1 जनवरी 2022 को बोलता क्या है, RDX स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी जो RDX है बिजनेस मैन है, राइट, वो बारूद नहीं, ये RDX मान लेते कोई पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट किया कितने से आपका 1 लाख से। ठीक है, 1 जनवरी को, 3 तारीख को क्या किया है वो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया कितना आपका 20,000, और 5 तारीख को क्या किया, गुड्स परचेस किया कितने का 10,000 का। मैंने तीन ही क्या किया ट्रांजेक्शन को लिया, मुझे बस समझाना है तो तीन ट्रांजेक्शन के द्वारा हम आपको क्या करेंगे आसानी से समझा देंगे। ठीक है, और भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि इरर ऑफ प्रिंसिपल किसे बोलते हैं, ध्यान से, बोलता है वैसा गलती जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया ही नहीं गया, मतलब जो भी आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया उसमें जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो सिद्धांत है उसको आपने फॉलो किया ही नहीं। जैसे छोटा सा है गोल्डन रूल, क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपका नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। इसी तरह से बहुत सारा क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो उस तरह का जो गलती होगा क्या कहलाएगा, इरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है, RDX स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होना चाहिए आपका, एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट और 2 क्या होगा आपका कैपिटल अकाउंट, राइट। ये सब क्लास 11th में जनरल आपने सीखा होगा, क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना, 1 लाख, राइट, 1 लाख, और ये भी कितना हो गया आपका 1 लाख। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, गलती से सोचा कि अरे RDX से स्टार्ट किया है ना, तो आपने क्या किया, कैपिटल की जगह पे क्या लिख दिया, 2 RDX अकाउंट, क्या लिख दिया, 2 RDX अकाउंट, बात समझे, लिखना था क्या कैपिटल, लेकिन आपने क्या लिख दिया एंट्री, क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू RDX, तो गलत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पता है कि इन द केस ऑफ सोल ट्रेड जो आपका मालिक होता है उसका नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा नहीं जाता है, बिजनेस स्टार्ट करता है उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड लिखा जाता है, वर्ड क्या है मेरा, कैपिटल, तो कैपिटल लिखना था, आपने क्या लिख दिया, RDX, तो बताइए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो किया नहीं किया, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका, इरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, मान लेते हैं अगला वाला, देखिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, एंट्री क्या होगा, एंट्री होना चाहिए आपका क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 20,000, राइट, 20,000, ये भी कितना हो गया, 20,000, ये आपका सही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने उल्टा कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, मान लेते आपने क्या कर दिया एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, राइट, आपने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया, राइट, क्या कर दिया आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो बताइए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया, ये तो गलत है। तो जो आपका अकाउंटिंग सिद्धांत है, जब उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, आपका जो सिद्धांत उसको फॉलो किए बिना आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, तो क्या कहलाएगा आपका? इनर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, राइट? तो फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, वहां पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाते होंगे, तो वेजेस को लिखना था, मान लेते ट्रेडिंग का डेबिट में लिखा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। वेजेस को ट्रेडिंग में लिख के आपने कहा लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो वो भी कौन सा कहलाएगा आपका? इनर ऑफ प्रिंसिपल। कहने का मतलब है वैसा आपका शुद्धिया जो जो लेखांकन का सिद्धांत है उसको फॉलो किए बिना कर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो इनर ऑफ प्रिंसिपल आप समझ गए, अच्छे ढंग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते चले जाएंगे क्योंकि जगह थोड़ा क्या कम है। ठीक है, तो इनर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अब बोलता है क्या है, क्लरिकल इरर्स, मतलब क्लरिकल इरर्स के द्वारा जो अकाउंटेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है उसके द्वारा कोई गलती हो जाता है तो क्या कहलाएगा आपका? क्लरिकल इरर्स। और मान लेते हैं जो आपका मिस्टर, मान लेते हैं कौन है, मिस्टर राज, राइट? मिस्टर राज कौन है आपका? अकाउंटेंट है, क्लर्क है, राइट? और यही क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी तरह का कोई गलती किया जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका? क्लरिकल इरर्स। ठीक है, तो क्लरिकल इरर्स को सबसे पहले आपका तीन भागों में कैटेगराइज किया गया, इरर ऑफ ऑमिशन, इरर ऑफ कमिशन और क्या बोलता है आपका? कंपनसेटिंग इरर्स। सबसे पहले समझिए इरर ऑफ ऑमिशन किसे कहते हैं। ऑमिशन का मतलब क्या होता है, हिंदी क्या होता है? छूट जाना। मतलब वैसा कोई ट्रांजेक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने से क्या हो जाए, छूट जाए, वो क्या कहलाएगा आपका? इरर ऑफ ऑमिशन। ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाहे तीन ट्रांजेक्शन है, राइट? तो आपने पहला वाला ट्रांजेक्शन का एंट्री किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक का भी किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहला 1 जनवरी 3 जनवरी का एंट्री किया, लेकिन 5 तारीख वाला एंट्री किया है नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट? तो क्या कहलाएगा आपका? इरर ऑफ ऑमिशन। मतलब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने से क्या हो जाए, छूट जाए, उसी को क्या बोलते हैं? इरर ऑफ ऑमिशन। तो आपको 3 ट्रांजेक्शन का एंट्री करना था ना, आपने कितना किया? 2, 1 छोड़ दिया, तो क्या कहलाएगा? इरर ऑफ ऑमिशन। ठीक है, इरर ऑफ ऑमिशन समझ गए। इरर ऑफ कमीशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा, अमाउंट में आप चेंजिंग कर दिए, अमाउंट में क्या हो गया, गलती हो गया। ऐसे मान लेते 1 जनवरी वाला हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा एंट्री, देखिए क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपका? कैपिटल अकाउंट, राइट? क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट? क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए मैंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंट्री तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने अमाउंट में गलती किया है। यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे मात्र मैंने कितना लिखा है? 10,000। कितना लिखा है? 10,000। तो बोलता है वैसा गलती जो आपका किसमें हो जाए? अमाउंट में हो जाए। अमाउंट में अगर आप किसी तरह का गलती कर देते हैं तो क्या कहलाता है मेरा? इरर ऑफ कमीशन। जैसे मान लेते हैं लिखना था, मतलब मान लेते हैं 969 रुपया, कितना लिखना था? 969, लेकिन आपने कितना लिख दिया? 699। कितना लिख दिया? 699। मतलब डिजिट का आगे पीछे भी कर देते हैं ना, तो भी क्या उसका गलती कहलाएगा आपका? इरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो इरर ऑफ कमीशन किसमें गलती होता है आपका? अमाउंट में। किसमें होता है? अमाउंट में। ठीक है, तो ये भी आप क्या होंगे, समझ गए होंगे। उसके बाद क्या बोलता है आपका? कंपनसेटिंग इरर्स, इसको समझिएगा। बोलता है वैसा गलती जो गलती हुआ है लेकिन दूसरा वाला आके उस गलती का क्षतिपूर्ति कर दे। कंपनसेटिंग मतलब क्या हुआ कि गलती तो हुआ है लेकिन दूसरा वाला आके उसका क्या करे? कंपनसेट कर दे, क्षतिपूर्ति कर दे, तो क्या कहलाता है? कंपनसेटिंग इरर्स। देखिए कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ध्यान समझिएगा। जैसे आपने क्या किया, सैलरी दिया आपने 10,000। सैलरी कितना दिया आपने? 10,000। एंट्री क्या हो जाएगा आपका? सैलरी दिया 10,000, तो एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट? क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना दिया आपने? 10,000। ठीक है, तो देखिए आप एंट्री मैंने क्या किया, सही लिखा है, अमाउंट में गलती है, 1 सही है गलत। सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, राइट? कैश कितना लिखा मैंने? 1,000। कितना लिखा? 1,000, जबकि कैश कितना लिखा चाहिए मुझे? 10,000। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 9,000 रुपया कम लिख दिया, राइट? मैंने 9,000 कम लिखा ना, लिखना था कितना? 10,000, लेकिन मैंने कितना लिखा? 1,000। तो कैश में 9,000 से कम हो गया। एक दूसरा एंट्री है, मान लेते रेंट दिए 1,000। तो देखिए आप रेंट दिए 1,000, तो एंट्री क्या होना चाहिए? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना दिया आप? 1,000। कितना दिया आप? 1,000, है ना? रेंट आपने कितना दिया? आपने 1,000। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे रेंट में तो ठीक है 1,000, लेकिन कैश में कितना लिख दिया 1,000 के बदला?
10,000। तो बताइए यहाँ पे 1,000 की जगह पे आपने कितना लिख दिया 10,000, यहाँ पे क्या किया 9,000 आपने क्या किया बढ़ा दिया, 1,000 लिखना था ना, लिख दिया कितना 10,000, तो 9,000 बढ़ गया। तो बताइए यहाँ पे जो कैश में 9,000 कम था, ये वाला आके 9,000 क्या किया बढ़ा दिया, तो बताइए आपका कैश में 1,000 10,000 11,000 आपका होना चाहिए, 11,000 क्रेडिट शो कर रहा, लेकिन गलती तो है इसका, गलती ये वाला के क्या किया कम्पनसेट कर दिया, मतलब ऐसा कोई एंट्री या ट्रांजेक्शन जो गलती हुआ है दूसरा वाला के उसको क्या करे कम्पनसेट कर दे, उस गलती को क्या करे आपका खत्म कर दे, उस तरह की गलती को कौन सा गलती बोलते हैं हम लोग कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे कंपनसेटिंग एरर्स किसे कहते हैं। अब सवाल उठता है इसमें क्या है, एरर ऑफ ऑमिशन भी दो तरह का होता है, एक होता है क्या आपका कंप्लीट ऑमिशन, मतलब ट्रांजेक्शन लिखने से क्या हो गया भूल गया पूरा का पूरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मिटाते जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका एरर ऑफ ऑमिशन क्या हुआ ध्यान समझिएगा, और कौन वाला आपका कंप्लीट, मतलब आपका एंट्री करना था, एंट्री करना था मान लेते तीन नंबर एंट्री करना था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, तो तीन नंबर एंट्री करना था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 20,000 और कितना हो गया आपका 20,000, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने क्या किया एंट्री किया ही नहीं, पूरा का पूरा एंट्री क्या किया आपने छोड़ दिया, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका कंप्लीट ऑमिशन, छूट गया पूरा का पूरा, क्या कहलाएगा कंप्लीट ऑमिशन, ऑमिशन का ही पार्ट है लेकिन कौन वाला कंप्लीट, मतलब ट्रांजेक्शन का ना डेबिट हुआ ना ही क्रेडिट हुआ, तो क्या कहलाएगा कंप्लीट ऑमिशन, और दूसरा कौन सा पार्सली, मतलब एक तो सही हुआ है और दूसरा वाला क्या हो गया आपका छूट गया, जैसे आपका कैश अकाउंट डेबिट था ना तो आपका बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट किया गया, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट किया गया कितना से 20,000 से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 20,000 से, तो कैश को नहीं किया गया सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट करके क्या हो गया छूट गया, ठीक है, तो कौन सा कहलाएगा आपका पार्शियल ऑमिशन, मतलब आंशिक रूप से कुछ आपका लिखा गया कुछ क्या हो गया छूट गया, तो क्या कहलाएगा आपका पार्शियल, आपका क्या कहलाएगा ऑमिशन, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद बोलता क्या है, उसके बाद आपका ये सब तो हो चुका ना, ये भी हो चुका, उसके बाद आपका अब देखिए अब सवाल उठता है एरर ऑफ कमीशंस भी आपका बहुत तरह का होता है, देख लीजिए एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, आपका एरर ऑफ कास्टिंग, फिर बोलता है एरर ऑफ पोस्टिंग और एरर इन कैरी फॉरवर्ड। अब मैं क्या करता हूँ आपको क्या करता हूँ बना के दिखाता हूँ समझा के कि ये सब आखिर आपका गलती है तो किस प्रकार का गलती है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्या कैश अकाउंट, क्या बनाऊंगा मैं कैश अकाउंट, ऐसे तो अकाउंट्स में कितने कॉलम होते हैं 8 कॉलम होते हैं ना, डेट पार्टिकुलर जेड अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेड अमाउंट, लेकिन मैं 4 से काम चला लूंगा डेट बिट और क्रेडिट, ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले बोलता क्या है आपका एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, और ये किसमें है एरर ऑफ कास्टिंग वाला में, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में क्या हुआ गलती हुआ, जैसे मान लेते हैं इसका एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट, यहाँ पर क्या लिखेंगे टू कैपिटल लिखेंगे ना, टू क्या लिखेंगे कैपिटल, यहाँ पर कितना था 1,00,000 ना, तो मैंने लिखा कितना मान लेते हैं 10,000, कितना लिखा 10,000, पोस्टिंग तो सही किया और सही दिशा में भी किया, लेकिन लिखना था कितना 1,00,000, मैंने लिखा कितना 10,000, तो ये जो आपका गलती हुआ ये क्या कहलाएगा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या कहलाएगा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, समझ गए होंगे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में क्या होता है आपका अमाउंट आप गलत लिख देते हैं, लिखना था 1,00,000, मैंने लिखा कितना 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है एरर ऑफ कास्टिंग, टोटलिंग में गलती हो जाए, ऐसे मान लेते हैं कि आपका क्या हुआ यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, इधर 10,000 है ना, इधर 10,000 की जगह पे आपने कितना लिख दिया मान लेते हैं 1,000, मान लेते हैं 10,000 की जगह पे कितना लिख दिया आपने 1,000, कितना लिख दिया 1,000 और इधर कितना हो गया आपका 1,000, बात समझे 1,000 और कितना हो गया 1,000, बात समझे, यहाँ पर क्या हुआ टोटल कितना होना चाहिए था आपका 10,000, मान लेते एक ही ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर कितना लिखा आपने 1,000, तो जब टोटलिंग में आप गलती कर देते हैं, लेजर बनाते हैं और टोटलिंग में गलती कर देते हैं, तो क्या कहलाएगा एरर ऑफ टोटलिंग, क्या कहलाएगा टोटलिंग, यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं गलती कर देते हैं तो बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है आपने जोड़ा, क्या हो गया गलती हो गया, क्या कहलाएगा एरर ऑफ कास्टिंग या टोटलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब बोलता है क्या है एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग में क्या किया गलती किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ये तो ठीक है, फिर बोलता है क्या कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, तो क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये होना चाहिए क्या बाय आपका बैंक अकाउंट, राइट, क्या होना चाहिए आपका बाय बैंक अकाउंट कितना
20,000 कितना आना चाहिए 20,000। तो आपको ये लिखना चाहिए था कहाँ, क्रेडिट में, कहाँ क्रेडिट में, लेकिन आपने पोस्टिंग कहाँ कर दिया, डेबिट में। मतलब इवला इधर नहीं लिखा और इधर लिख दिया, कौन सा लिख दिया, क्रेडिट की जगह कहाँ लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। कितना 20,000, कितना लिख दिया आप 20,000, ठीक है। तो ये जो गलती हुआ क्या कहलाएगा, एरर ऑफ पोस्टिंग, करना था क्रेडिट में पोस्टिंग, कर दिए कहाँ, डेबिट में, तो क्या कहलाएगा, एरर ऑफ पोस्टिंग। अब फिर क्या बोलता है, एरर इन कैरी फॉरवर्ड, मतलब सीडी बीडी में गलती कर दी है। ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 10, 20, 30,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना हो गया मेरा 30,000, राइट। तो यहाँ पर भी कितना आएगा मेरा 30,000, राइट। अब यहाँ पे जब बैलेंस करेंगे, यहाँ पर तो मान लेते कोई भी आइटम नहीं है, तो यहाँ पे जब बैलेंस करेंगे क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस क्या लिखते हैं, सीडी। कितना 30,000, कितना लिखते हैं 30,000। तो यहाँ पे तो 30,000 लिखे सीडी, और जब ट्रांसफर किए टू बैलेंस बीडी, क्या लिखे टू बैलेंस बीडी, तो आप 30,000 की जगह पे मान लेते कितना लिख दिए 3,000, कितना लिख दिए 3,000। तो आप कैरी फॉरवर्ड, मतलब यहाँ तो 30 था और जब नीचे में ट्रांसफर किए सीडी के बाद बीडी किए, तो 30,000 की जगह पर कितना लिख दिए 3,000। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एरर इन कैरी फॉरवर्ड, राइट। तो यही क्या था, पूरा इंटायर क्या था, इयर्स था, जो आपका अकाउंटेंट या क्लर्क ना चाहते भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर देता है, राइट। तो मैंने क्या किया, आपको प्रैक्टिकली भी सारी बातें बताने का कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, अगर कंप्लीट ऑमिशन होगा तो ट्राई बैलेंस का डेबिट साइड दोनों साइड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, दोनों आपका क्या हुआ, आपका छूट गया, तो ट्राई बैलेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ट्राई बैलेंस का क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन आपका गलती होगा। अगर एक आपने क्या किया, सही किया, मतलब एक अकाउंट को डेबिट किया, दूसरा को आपने क्रेडिट नहीं किया, तो आपका ट्राई बैलेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि डेबिट वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्रेडिट वाला अमाउंट घटा हुआ रहेगा, तो ट्राई बैलेंस क्या होगा, नहीं मिलेगा, ट्राई बैलेंस विल नॉट एग्री, बात समझे। तो अगर कंप्लीट ऑमिशन है, डेबिट क्रेडिट दोनों छूट गया है, तो ट्राई बैलेंस मिल जाएगा, अगर एक छूटा है तो ट्राई बैलेंस आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या था, पूरा एंटायर इन्फॉर्मेशन था आपका मीनिंग ऑफ एरर और आपका काइंड्स ऑफ एरर्स। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। राइट, हम मान के चलते क्या किया होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आने वाले वीडियोस में जितने भी ऑडिटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी का क्वेश्चंस और आंसर्स अपलोड कर दिया जाएगा। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, बढ़िया से लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जो मैंने जितने भी चीज बता रहा हूँ, ये जो आपका डॉक्टर बी के मेहता का बुक है एस बीपीडी पब्लिकेशन का, उससे क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्या करेंगे, आप लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।